नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री की टेसरी चल रही है और यह टेसरी संख्या 12 है। मित्रों, गुलाम मोहसिन से संबंधित सीरीज चला रहा हूं और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर हमारा शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ओनली 200, केवल 200 रुपया पेमेंट करेगा आप लोग को कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। बीएससीबी स्टेट पेपर टू हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल मिलेगा और रामबाण मटेरियल मिलेगा और उस मटेरियल को अगर आप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं जिनको भी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु तक पहुंचा था, तो यह बातें सही है। दूसरा देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु, तो ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। विजयनगर साम्राज्य में भी सही गलत है, तो केवल एक ये आपका सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत में तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हो गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु तक पहुंचा था और 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था, ठीक है। और विजयनगर सम्राट देवराजोती के शासनकाल में ईरान का निवासी अब्दुल रज्जाक आया था। 1498 में जब वास्को डी गामा आता है तो उस समय विजयनगर का शासक जो था वो नरसा नायक का पुत्र तिम्मा शासन था, ठीक है। प्रश्न 22, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तिलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की दीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। प्रश्न 23, रजिया बेगम को सदाच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का, विकल्प सी। रजिया बेगम सदाच्युत करने में तुर्कों का हाथ था और उसने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर सत्ता हटाया। ठीक है, पहली बार तो यह भटिंडा का सूबेदार जो था मलिक अल्तुनिया, इसने रजिया को पद से हटाया लेकिन बाद में इसी से इसका विवाह हो गया। प्रश्न 24, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां की उपाधि से नवाजा गया था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति भव्य इलबरी तुर्क था। प्रश्न 25, दिल्ली के कुछ सुल्तान के विषय में कहा गया उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने। बलबन के विषय में कहा जाता है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा आवश्यक ईश्वर से प्राप्त होती है, तो यह सब इसका राजत्व सिद्धांत था बलबन का। प्रश्न 26, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। प्रश्न 27 को यह देखना है, कथन और कारण है। कथन, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो दोनों बातें सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, विकल्प बी। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। उसने 1266 से 86 तक शासन किया। उसने सम्राट के पद को दैवी घोषित कर सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। उसने सिजदा पाबोश प्रथा शुरुआत की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से रोकथाम के लिए उत्तर पश्चिमी सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। प्रश्न 28, अपनी शक्ति को समित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही। जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया। बलबन ने फारस के लोग प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपनी राजनीतिक आदर्शों निर्मित किया था। उसका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलवाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई था। बलबन के अनुसार मनमान मर्यादा में पैगंबर के बाद है राजा जिले इलाही या जिले इलाही में ईश्वर का पदवी। प्रश्न 29 देखिएगा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के अनुरूप वही राजत्व सिद्धांत, तो राजत्व सिद्धांत बलबन का है। देखिए बीपीएससी में यह कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। नवरोज का उत्सव बलबन ने ही प्रारंभ किया था। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार में अनुरूप बनाया था। उसने कठोरता से उसे लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह हुआ करते थे। इसने अपनी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। इसने सिजदा मतलब भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पाबोस में सुल्तान के चरणों को चूमना आदि शुरुआत किया था और नवरोज के उत्सव भी बनवाने का शुरुआत किया था। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है?
तो देखिए नियामक खुदाई का ये भी सही है, तुर्कान चेहलगानी का प्रभाव समाप्त किया ये भी सही है, इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया ये भी सही है, इसने तातारी व्यवस्था का प्रारंभ किया बिल्कुल गलत है। बलबन का वासु नाम बहाउद्दीन था, नसरुद्दीन महमूद ने इसे मुलुक खां की उपाधि दी थी, जिले इलाही की उपाधि, यह जितने अभी बता रहा हूँ सभी दोहराया गया प्रश्न है आप जानते हैं ठीक है। तो यह कि इसने बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह हुआ था 1279 में, बंगाल का सूबेदार तुगल खां ने विद्रोह किया था जिसे बलबन ने दबाया था। प्रश्न 32, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा कहा? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेखों में स्वयं को खलीफा किसने कहा? बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद स्वयं को खलीफा कहा था ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।